ये फोन है इंडियाज फर्स्ट 50 मेगापिक्सल क्वाड फंक्शन कैमरा। इसमें लगे तो तीन कैमराज हैं लेकिन ये काम चार कैमराज का करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग 91 मोबाइल्स और मैं हूं शिवम चौधरी। और आज मेरे पास है दी ऑल न्यू मोटोरोला मोटो जी 82 5G स्मार्टफोन, जिसकी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। ये है मोटो जी 52 5G का बॉक्स। देखने में जी सीरीज के बाकी स्मार्टफोन्स के बॉक्स की तरह ही लगता है। आपकी यादें ताजा करने के लिए मैं आपको मोटो जी 52 का यह बॉक्स दिखा देना चाहता हूं, जो कि इस समय मेरे साथ है। खैर, कमिंग बैक टू द मोटो जी 82, जैसे ही आप इसके बॉक्स को यहां पर अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले ऊपर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जिसकी डिस्प्ले पर एक स्टिकर लगा है, जहां पर आपको फोन की डिस्प्ले, इसका कैमरा और स्पीकर्स के कुछ खास फीचर्स के बारे में हाईलाइट किया गया है। इसको हटाते हैं, साथ ही आप ये देख सकते हैं कि स्मार्टफोन बाय डिफॉल्ट बॉक्स से ही केस लगा हुआ आता है। सो केस को रिमूव करते हैं एंड नाउ यू कैन सी द फर्स्ट लुक ऑफ मोटोरोला मोटो जी 82 5G स्मार्टफोन। मेट्रोइड ग्रे कलर वाला स्मार्टफोन मुझे यहां पर रिसीव हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने इसको व्हाइट कलर में भी लॉन्च किया है एंड कंपनी नेम दैट कलर व्हाइट लिली। फोन को अगर आप बैक से फर्स्ट लुक में देखते हैं तो कुछ कुछ आपको मोटो G52 की ही याद दिला देता है। G52 मेरे पास अभी है भी, आपको दिखा देता हूं। काफी हद तक सेम कलर और बॉडी पैटर्न होने की वजह से स्मार्टफोन्स बैक साइड से एक जैसे आइडेंटिकल लगते हैं। खैर, फोन को फिलहाल साइड रखते हैं, क्विकली बॉक्स कॉन्टेंट पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको एक एनवलप मिलता है जिसमें गाइड एंड मैनुअल मिलती है और साथ ही यहां पर सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है और साथ ही साथ यहां पर एक 33 वॉट का टर्बो पावर चार्जर दिया गया है विद USB 2 Type-C केबल। सो दोस्तों, ये सब था बॉक्स में, अब वापस आते हैं स्मार्टफोन पर। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहां पर G52 वाला दिया गया है, काफी कुछ नई चीजें भी इस स्मार्टफोन में हैं। जैसे कि इफ यू टिल्ट मोटोरोला मोटो G82 5G तो इसके बैक पर आपको ब्लैक डॉट्स के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैमरा कटआउट सेम ओवल शेप्ड है लेकिन G52 से अलग है, क्योंकि यहां पर आपको जो तीन कैमराज मिलते हैं, इसका प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है और यहां पर OIS भी दिया गया है। मोटोरोला का लोगो सेंटर में ही दिया गया है, ब्रांडिंग नीचे दी गई है। कॉर्नर स्मार्टफोन के राउंडेड हैं और जो इसकी बैक है वो ना तो प्लास्टिक से बनी है ना ही ग्लास से बनी है। आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ PMMA एक्रिलिक, जो कि ग्लास के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज किया जाता है। असल में थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होता है, थोड़ा सा ड्यूरेबल और लाइट वेट ज्यादा होता है। यहां पर फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस काफी आ जा रहे हैं, शायद यही रीजन है कि कंपनी ने इसको बॉक्स से ही कवर लगा कर दिया था। फोन का फ्रेम आप देखेंगे तो मैट फिनिश में दिया गया है, जिसके राइट साइड में वॉल्यूम कीज के साथ पावर की लगी है और इसी में फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेट करके दिया गया है। बॉटम पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक ऑडियो जैक दिखता है, एक माइक्रोफोन है, एक टाइप सी पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। लेफ्ट साइड पर एक सिम ट्रे दी गई है, इट्स एन हाइब्रिड सिम स्लॉट जिसमें दो नैनो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाया जा सकता है। टॉप पर स्पीकर्स दिए गए हैं और सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है फॉर नॉइस कैंसिलेशन पर्पस। इन एंड फील की बात करें तो स्मार्टफोन बहुत ज्यादा लाइट वेट है, केवल 173 ग्राम्स वेट है इसका, केवल 7.9 mm थिक है, यानी कि काफी पतला भी है। तो हाथ में फोन आपको काफी कंफर्टेबल फील होता है, साथ ही इस पर IP52 की वाटर रिपेलेंट कोटिंग भी दी गई है। डिस्प्ले की अगर आप बात करेंगे तो फोन पर 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है। पैनल POLED है, सेम विच वॉज यूज इन G52। बेजल्स को आप देखेंगे तो ना के बराबर बेजल्स यहां पर दिए गए हैं, मोटोरोला इसको बॉर्डरलेस डिजाइन बोल रहा है। साइड की अगर आप दोनों साइड के बेजल्स देखेंगे, केवल 5.2 mm के हैं। टॉप पर 4.1 mm का बेजल है और चिन तो काफी ही यहां पर थिन है, केवल 3.1 mm के बेजल यहां पर दिए गए हैं। पंच होल को भी देखेंगे तो सेंटर में है, काफी टीनी सा पंच होल है। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट पर आपको केवल डिस्प्ले ही देखने के लिए मिलती है। 402 पिक्सल डेंसिटी के साथ यह स्मार्टफोन आता है एंड इट्स अ 10-bit डिस्प्ले दोस्तों विद DCI-P3, यानी कि भर भर के कलर्स इस डिस्प्ले पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जहां पर मुझे यहां पर कमी लग रही है दोस्तों, वो है ब्राइटनेस लेवल, विच इज जस्ट 700+ nits और ये मोटोरोला के मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स के साथ प्रॉब्लम होती है। हालांकि इंडोर में कोई परेशानी आपको नहीं होगी लेकिन आउटडोर में ब्राइट सनी डे में जरूर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है ब्राइटनेस को लेके। प्रोटेक्शन के लिए यहां पर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगा है एंड स्मूथनेस और रेस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो डिस्प्ले कम्स विद मैसिव 120 हर्ट्ज ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज ऑफ टच सैंपलिंग रेट, तो गेमिंग में भी आपको यहां पर परेशानी नहीं आएगी। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसके UI एंड OS की बात करें तो हमेशा की तरह मोटो के फोन में आपको
आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, यहां पर भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 वर्जन आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। खास बात यह है कि मोटोरोला फोन के साथ आपको एंड्रॉइड 13 पर एश्योर्ड अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का भी प्रॉमिस कर रहा है। ये जो OS है यहां पर आपको कुछ जेस्चर सपोर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाता है और प्रोसेसर यहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 यूज किया गया है, विच इज अ 5G चिपसेट विद 6nm ऑफ फैब्रिकेशन। मोटोरोला मोटो G82 5G दो स्टोरेज ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है, 6GB रैम एंड 8GB रैम। मेरे पास 6GB रैम वाला वेरिएंट है। रैम टाइप यहां पर LPDDR4X है। आप रैम को 1.5GB तक वर्चुअली भी एक्सपेंड कर सकते हैं, साथ ही इसमें सिंगल 128GB रोम का ऑप्शन मिलता है। ये UMCP टाइप है। UMCP टाइप मेमोरी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी मोटोरोला G52 वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। फोन की साउंड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है, डुअल स्टूडियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं, क्वालकॉम पावर्ड साउंड है और डॉल्बी एटमॉस के साथ ही आता है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात की जाए तो फोन में ब्लूटूथ 5.1, डुअल बैंड वाईफाई और NFC का सपोर्ट भी दिया गया है, साथ ही दोनों सिम पर 5G सपोर्ट है। फोन 13 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है और यहां पर कैरियर एग्रीगेशन भी आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है विच वर्क्स डिसेंटली और फेस अनलॉक भी यहां पर दिया गया है। बैटरी की बात करें तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और जैसा मैंने आपको पहले बताया था 33 वॉट का टर्बो पावर चार्जर इसके साथ दिया गया है। क्विकली अब कैमरास पर नजर डाल लेते हैं तो ये फोन है इंडियाज फर्स्ट 50MP क्वाड फंक्शन कैमरा स्मार्टफोन। इसमें लगे तो 3 कैमरास हैं लेकिन ये काम 4 कैमरास का करते हैं। पहला है 50MP प्राइमरी लेंस जो कि OIS के साथ आता है, दूसरा है 8MP का वाइड एंड डेप्थ लेंस, ये दो लेंसेज का काम करता है, और तीसरा है 2MP का मैक्रो लेंस विद सिंगल LED फ्लैश लाइट। सेल्फी के लिए यहां पर 16MP का कैमरा लगा है। सो इसके कैमरा UI पर अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले स्लोमो मोड दिया गया है, आफ्टर दैट वीडियो मोड है। वीडियो की बात की जाए तो मेन सेंसर से आप फुल HD पर 30fps और 60fps पर वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी पर वीडियो बना सकते हैं केवल 30fps पर, बाकी फोटो पोर्ट्रेट और प्रो के अलावा यहां कुछ और मोड्स दिए गए हैं। कैमरा क्वालिटी कैसी है वेल ये जानने के लिए आपको 9 जून का वेट करना पड़ेगा, जिस दिन मैं इस स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। फर्स्ट लुक में स्मार्टफोन इज लुकिंग डिसेंट। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इसका प्राइस रिवील नहीं हुआ है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट इन बिटवीन 20-25 के। बाकी जैसे इसका प्राइस जो है लॉन्च हो जाता है या रिवील हो जाता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।